बाबा सुंदरदास जी। जब कोई प्राणी परलोक सिधारता है तो उसके नमित रखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का भोग डालने के पश्चात रामकली राग की सद्ध का भी पाठ किया जाता है। गुरु मर्यादा में यह मर्यादा बन गई है। यह सद्ध बाबा सुंदरदास जी की रचना है। सतगुरु अमरदास जी महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के समय का वैराग और करुण दृश्य पेश किया गया है। सद्ध का उच्चारण करने वाले गुरुमुख प्यारे गुरु घर के श्रद्धालु बाबा सुंदरदास जी थे। आप सीस राम जी के सपुत्र और सतगुरु अमरदास जी के पड़पोते थे। आपने गोविंदवाल में बहुत भक्ति की, गुरु का यश करते रहे। बाबा सुंदरदास जी का मेल सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज से उस समय हुआ जब सतगुरु जी बाबा मोहन जी से गुरुबाणी की पोथियां प्राप्त करने के लिए गोविंदवाल पहुंचे थे। उनके साथ बाबा बुड्ढा जी और अन्य श्रद्धालु सिख भी थे। उस समय बाबा सुंदरदास जी ने वचन विलास में महाराज जी के आगे व्यक्त कर दिया कि उन्होंने एक सद्ध लिखी है। महाराज जी ने वह सद्ध सुनी, सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि सद्ध उनसे लेकर अपने पास रख ली। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ तैयार की तो भाई गुरदास जी से यह सद्ध भी लिखवा दी। उस सद्ध के कारण बाबा सुंदरदास जी भक्तों में गिने जाने लगे और अमर हो गए। जो भी सद्ध को सुनता है या सद्ध का पाठ करता है उसके मन को शांति प्राप्त होती है, उसके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। यह सद्ध कल्याण करने वाली बाणी है।